सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना। है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा, मुनिगण पंछी के द्वारा। उन्हें आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाओ थुति धारा। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज गुरुराचार्य विद्या सागर जी महाराज की, उत्तम मार्दव धर्म की। मनुष्य मान का पुतला होता है। सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन आता है, चार गतियों में चार कषाय की प्रधानता होती है। नरक गति में क्रोध कषाय की, मनुष्यों में मान की, त्रियंशों में माया की और देवों में लोक कषाय की प्रधानता होती है। और ये भी कहा है कि जब जन्म होता है तो प्रथम समय में इन इन कषायों का उदय होता है। तो मनुष्यों में मान की प्रधानता है। मान, घमंड, अहंकार कई शब्दों के नाम से जाना जाता है। जहां कहा कि प्रथम समय से ही मान का उदय होता है, देखने में छोटे छोटे बच्चों में भी मान कषाय देखने में आ जाती है। एक प्रसंग जो अक्सर सुनाने में आ जाता है कि एक जगह पर गर्मी में हमारा प्रवास चल रहा था और एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर के आती थी। जिस पाटे पर हम बैठते थे वहाँ तख्त पर वो बच्चा धीरे धीरे खड़ा होने लगा और उस पर वो हाथ टिका करके खड़ा रहता था। एक दिन उसकी माँ पीछे किसी ने बुलाया तो वो चली गई और बच्चा थोड़ा सा चलने लगा था तो बगल में आकर के, और बहुत सुंदर बच्चा था, लोग उसको हमेशा गोद में उठाते रहते थे, तो उसने दोनों हाथ हमारी ओर कर दिए कि हमें गोद में उठाओ। हमने उसको आशीर्वाद की जो रोज देते थे, उसको आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद देने लगे, लेकिन वो तो जिद पर अड़ा हुआ था कि नहीं हमें गोद में उठाओ। और हमने जब नहीं उठाया तो वो फूट फूट करके बहुत तेज आवाज में, जैसे किसी ने उसको पिटाई कर दी हो या कोई कीड़े ने काट लिया हो, ऐसा रुदन करने लगा। उसकी माँ घबरा करके कि क्या हो गया, कहीं गिर तो नहीं पड़ा, वहां से आई और उसको लेकर के, रो रहा था तो उसको ले जाने लगी। और वो जाते समय में अपनी गर्दन को हमारी तरफ मोड़ करके बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू छोड़ते हुए देख करके मानो कह रहा हो कि सब हमको उठाते हैं लेकिन आप हमको नहीं उठाते, यानी आपने हमारी तोहीन कर दी, हमारी बात को नहीं माना। तो ऐसी कषाय की परिणति, मान कषाय की परिणति समय होती है। और मान जो होता है वो द्वैत भोजी होता है। द्वैत भोजी का अर्थ कि जब कोई दूसरा होगा तो मान कषाय का वहां पर प्रभाव होता है, यानी उसके लिए नौकर्म कोई दूसरा हो और दूसरे में भी कोई साधर्मी हो, कोई त्रिंश होगा तो उसके सामने कोई अहंकार नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन अपना कोई साधर्मी बंधु है तो वो मान कषाय वहां पर अपना कार्य करने में सफल होती है। देखते भी हैं आप लोग, छोटे छोटे बच्चे अकेले में गिर जाएं, कितनी भी चोट लग जाए उठ करके जो है खेलने लगेंगे, और यदि कोई देख ले तो फिर उनका रोना चालू हो जाता है। तो ऐसी जो है ये मान कषाय जिसमें एक सामान्य से सब लोगों में होती है, वो
उतनी ज़्यादा जो है ध्यान में नहीं आती, लेकिन एक मैं सबसे अलग हूँ, मैं जो भी करूँ लोग उसको ध्यान दें, ये जो है मान कसाई की परिणति होती है। और जहाँ लोग प्रदर्शन की भावना से भी इस मान कसाई के कारण ही जुड़ते हैं, जहाँ नई नई चैन पहनी हो तो उसको थोड़ा सा बाहर निकाल करके पहना जाता है, लोग देखें, नोटिस करें, पूछें कहाँ से लाए हो, बहुत सुंदर लग रही है। और यदि लोग उसको नोटिस नहीं करते तो वो चैन आदमी को बेचैन कर देती है कि ये लोग पूछ क्यों नहीं रहे। कभी कभी अच्छी ड्रेस भी पहनी हो और बड़े अरमानों से सिलवाई थी कि उस फंक्शन में पहन करके जाएंगे, लेकिन सामने वाला कुछ नोटिस ही नहीं कर रहा है, फिर बात छिड़ देते हैं, फिर अपन ही उसकी जो है, अरे आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, कम से कम इस बहाने ही वो देख ले हमारी ड्रेस को, होता है कि नहीं। तो ये जो है दूसरा हमको नोटिस करे, ये मान कसाई होता है। तो जहां टीम एक शब्द है, टीम जहां होती है उसमें टी ई ए एम टीम बनता है, उसमें आई नहीं है, आई जो होता है ना मैं, जहां मैं की भावना आ जाती है वहां पर सारा श्रेय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही काम कुछ ना करें लेकिन हमने किया है, ऐसी जो है इस मान कसाई की परिणति होती है। जहां संसार में तीन कसायों से जितना विध्वंस नहीं हुआ, उतना अकेला विध्वंस इस मान कसाई के कारण हुआ है। अभी जो रूस और यूक्रेन में चल रहा है वो क्या है, केवल मान कसाई कि हमारी बात को मानो, वो कह रहे नहीं हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, बस। जहां भी देखो संघर्ष, जितने भी युद्धों के संघर्ष हुए हैं उन सब में अहंकार की ही परिणति मुख्यता से देखने में आती है। तो जहां अपन अहंकार से परिचित हैं, अपन उससे विपरीत जो विनय होता है मार्दव धर्म से परिचित नहीं है, और उसको समझना है तो पहले अपने लिए इस अहंकार को समझना है, क्योंकि जिससे परिचित होता है अपन उसको जल्दी से समझ सकते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा कि जो जिस भाषा में परिचित होता है उसको उस भाषा में समझाओ तो समझ में आएगा। तो जहां उन्होंने वहां पर निश्चय को समझाना है लेकिन व्यवहार से जो परिचित है तो उसको व्यवहार की भाषा में समझाओ। तो ऐसे ही अपन लोग अहंकार से परिचित हैं तो अपन अहंकार के स्वरूप को थोड़ा सा देखें, जिसके माध्यम से अपन उसके विपरीत मार्दव धर्म को भी समझ सकते हैं। मृदुता का भाव मार्दव कहलाता है। जहां परिवार में भी विघटन यदि कभी होता है तो उसमें भी कर्तृत्व बुद्धि के कारण विघटन होता है। कर्तृत्व बुद्धि यानी कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, कर्तृत्व की भावना के लिए उदाहरण के रूप में आप लोगों ने सुना होगा कि वो श्वान जो किसी बैलगाड़ी के नीचे बैठा था और उसका उठने का मन हुआ और उसी समय में बैलगाड़ी भी चली तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि मैंने इसको चलाया है, और फिर उसका रुकने का मन हुआ तो उधर बैलगाड़ी भी ठहर गई। कभी कभी ऐसे कोइंसिडेंस बन जाते हैं। तो बस उसका जो है अहंकार दृढ़ हो गया कि मैं इस बैलगाड़ी को चलाता हूं। ऐसा ही जहां भी जो जिस क्षेत्र में रहता है वहां पर ये धारणा आ जाती है, तो उसके कारण मैं वो कर्तृत्व बुद्धि के मैं ना रहूं तो कोई कुछ काम ही ना हो। सहजानंद जी बर्णी ने एक उदाहरण दिया है कि एक परिवार में चार भाई थे और बड़े भाई जो कि कार्य करते थे, दुकान पर बैठते थे, धन कमाते थे, बाकी सारे भाइयों का इतना सहयोग नहीं था, और जहां
अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पत्नी जो है घर को अलग अलग करने में भी कारण बन जाती है, एकांत से ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ शब्दों की ऐसी व्याख्या होती है जहां दारा शब्द आता है तो उसकी व्याख्या में लिखते हैं कि दारयति भ्रातृनिति दारा, जो भाइयों को अलग कर देती है वो दारा कहलाती है। तो उसमें पत्नी ने कहा कि आप सारा घर का काम करते हो और सब लोग तो कुछ करते नहीं हैं, अब संतान भी हो गई हैं, यदि आप इसी प्रकार से लुटाते रहे तो फिर आगे कैसे अपना चलेगा, इसलिए अपने को अलग होना चाहिए, न्यारा हो जाना चाहिए, न्यारे न्यारे रहना चाहिए। तो पति जो है बातों में आ गया और उसने कि मैं अभी जाकर के पिता से बात करता हूँ, और पिता उनके कमरे के बगल से ही निकल रहे थे और उनकी बात उनके कानों में पड़ गई। बेटा पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बात कुछ रखो, उसके पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, तुम अच्छा आ गए। मेरी भावना है कि अपन पूरे परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा कर लें। तो बेटा बोला कि बहुत अच्छी भावना है पिताजी। और फिर पिता ने पूछा कि तुम किस लिए आए थे बताओ, तो वो कहने लगा पिताजी अब यात्रा कर लेते हैं फिर उसके बाद में बात करेंगे। और सारे लोग, पुराना जमाना था तो बैलगाड़ी से यात्रा पर निकले। जहां पहले दिन का पड़ाव हुआ वहां बड़े पुत्र को पिता ने 10 रुपए दिए। उस जमाने में 10 रुपए में भोजन सामग्री लाने के लिए पर्याप्त होते थे। और वो लेकर के गया, उसने सोचा कि 10 रुपए में क्या सामग्री आएगी, इसमें कुछ व्यापार किया जाए। उसने वहां पर कोई सामग्री खरीदी, उसको बेचा तो 20% फायदा हो गया, 10 के 12 हो गए। अपने आप को सोचने लगा कि देखो ये मेरी करामत है कि मैंने 20% ज्यादा जो है इसमें जोड़ करके अब मैं सामग्री लेकर के जा रहा हूं। अगले दिन जहां पड़ाव हुआ दूसरे लड़के का नंबर था। दूसरा लड़का जो था वो जुआ की लत लगी थी उसको, और जब वो बाजार में गया वहां पर जुआ हो रहा था 10 के 50 10 के 50 ऐसे बोल रहा था, और पैसे पास में थे और सामने सामने चल रहा हो तो फिर नियंत्रण नहीं कर पाया, उसने 10 रुपए दाव पर लगा दिए। लेकिन भाग अच्छा था उस समय में, 10 के 50 हो गए। फिर वो आगे लगाने का सोच रहा था लेकिन इतने में ही एक छोटा सा बच्चा वहां रोते हुए निकला, तो उसको अपने भतीजों की याद आई कि यदि लगाए और जुए का कोई भरोसा नहीं है। कई कई बार लोग जो है थोड़ा पहले प्रलोभन देते हैं और बाद में फिर पूरा लपेट लेते हैं। तो उसने 50 रुपए लेकर के और अपन सामान खरीद करके चलो, तो अच्छी 50 रुपए की और 12 रुपए की सामग्री में तो स्वाभाविक रूप से अंतर होता है। वो सामग्री लेकर के पहुंचा तो बड़ा वाला देख करके आंखें फैला करके, अरे ये तो जो है हमसे भी जो है रुस्तम है, हम समझते हैं कि ये तो नकारा है। लेकिन फिर तीसरे दिन आया एक नंबर, तो तीसरा वाला जो था वो सूरदास था, यानी उसकी नेत्र ज्योति नहीं थी, पत्नी की सहायता से कार्य करता था। पत्नी उसको पकड़ करके बाजार के लिए लेकर के जा रही थी, रास्ते में एक ठोकर लगी तो उसने बोला अपनी पत्नी से कि लोग यहाँ से निकलते होंगे उनको भी ठोकर लगती होगी, इसको पत्थर को निकाल दो अलग कर दो। पत्नी ने उसको अलग किया तो देखा नीचे एक छोटा सा जो है मिट्टी का कलश था और उसमें वहाँ पर 100 जो है मुद्राएं रखी हुई थी, 10 अपने पास में थी और 110 हो गई। अब 110 की सामग्री 50 की तुलना में और अच्छी, मिष्ठान आदि जो है सब जो है लेकर के वहाँ पहुँचा। बड़े को और आश्चर्य हुआ कि अरे। फिर चौथे दिन की जब वार्ता आई तब एक सबसे छोटे पुत्र के लिए 10 रुपए दिए, और लंबी यात्रा थी बहुत दिनों के बाद में। जहाँ पर वो पहुँचे शहर के बाहर रुक गए थे, लेकिन वहाँ जाकर के जब वो शहर में जाता है तो उसको
जिनालय के दर्शन होते हैं और वो जिनालय में प्रवेश करके भगवान की भक्ति में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मुझे किस काम के लिए भेजा था। अक्सर ऐसा होता है जो लोग धार्मिक रुचि रखते हैं, कभी कभी साधुओं की सेवा में इतने लगे रहते हैं, मंदिर के कार्यों में इतने लगे रहते हैं कि घर वाले कई बार उलाहना देते हैं कि आप तो एक आध कमरा वहीं ले लो, वहीं रहा करो, भोजन करने आ जाओ, ये करो, बस बाकी सब काम तो आप वहीं के देखो, एक घर तो हम संभाल लेंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो उसमें वहाँ जो रक्षक देव था उसने सोचा कि घर वाले सब लोग इसके माध्यम से धर्म के लिए भी उलाहना देने लगते हैं, तो उसने दिव्य सामग्री लेकर के उसका रूप बना करके और वहाँ पर पहुँच गया। और वो सामग्री देख करके तो बड़ा वाला सोचा कि अरे भाई, ऐसी सामग्री तो पहली बार देखने में आ रही है जो ये सामग्री लेकर के आया। और उसका जब भोजन बनाया तो स्वयं नहीं पूरे गाँव को खिला दिया, फिर भी वो सामग्री समाप्त नहीं हुई। लौट करके यात्रा करके वापस आए और पिता ने फिर अपने बड़े पुत्र को फिर से बुलाया और पूछा कि तुम कुछ बोल रहे थे उस समय में कि तीर्थयात्रा के बाद में फिर चर्चा करेंगे। तो बड़े को तब तक समझ में आ गया था, उसने कहा पिताजी कोई नहीं, ऐसी बातें चलती रहती हैं, सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और आपका ऐसा आशीर्वाद रहे कि हम सब लोग हमेशा साथ में रहें। तो जहाँ पहले जो कर्तृत्व बुद्धि से भरा हुआ था कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये अहंकार के कारण में ऐसी स्थिति बन जाती है। और अहंकार जो होता है वो अहंकार को उत्पन्न करने वाला भी होता है। यदि एक कोई अपना अहंकार दिखाता है तो उसको देख करके सामने वाले के लिए भी वहां पर मान कषाय की उदीर्णा हो जाती है। विवाह संबंध तय हुआ था, लेकिन हुआ ऐसा कि जो लड़की का पिता था उसका निधन हो गया। अब जो लड़के के पिता थे उन्होंने कि अब समधि रहे नहीं है, समधन है। और कई बार ऐसा होता है कि जब घर का मुखिया नहीं रहता तो फिर वैसी स्थिति नहीं रहती। कई बार जहां पर लोगों को कर्ज दिया होता है तो वो लोग मुकर जाते हैं, वापिस ही नहीं करते। तो उन्होंने अच्छे भावना के साथ में वहां पर कि विवाह में हम लोग कितने बराती लेकर के आए जिनका आप अच्छे से स्वागत कर सकें, उन्होंने तो अच्छे से ही लिखा था, लेकिन वहां जो धन का अहंकार से भरी हुई थी उस समधन ने वहां पर कि ये लगता है या तो विवाह तोड़ना चाहते हैं या हमको समझते हैं कि हम लोग इतने समर्थ नहीं हैं कि हम अच्छे से सब लोगों का जो है स्वागत कर सकें। तो उसने अहंकार से भर करके एक थैली में पोस्त दाना भर करके, खसखस का जो दाना होता है इतना छोटा छोटा, थैली में भर करके और समधी को भेज दिया कि इससे कम तो लाना नहीं, यानी इसमें जितने दाने हैं इससे कम तो लाना नहीं, और इससे जितने ज्यादा आप ला सको आप ला करके दिखाना, हम सबका स्वागत बहुत अच्छा करेंगे। और कहते हैं उस समय में गांव के मुखिया ने सरपंच को केवल निमंत्रण दिया कि पूरे गांव को तुमको लाना है। ऐसे करते करते आसपास के जितने गांव थे सबको उन्होंने निमंत्रण दे करके, और उस समय कहते हैं कि अतिशयोक्ति के रूप में कि जहां मिठाई बनाई गई थी कुएं में ही शक्कर घोल करके मिठाई बनाई गई, इतनी जो है वहां पर बरातियों की भीड़ थी कि टिड्डी दल जैसा लगता था। और उनकी व्यवस्था उसने पति के जाने के बाद में भी उस महिला ने ऐसी की थी कि कोई वहां पर गलती निकाल नहीं सका, नहीं तो बरातियों का जो है रुतबा अलग होता है, लेकिन उसने ऐसी व्यवस्था की थी। अब वो जो है चूंकि अहंकार की स्थिति थी तो उसमें वो सोचते थे कि कहीं ना कहीं तो कोई गलती समझ में आए जिससे कि बोल सकें। बाद में एक रस्म होती थी घुड़चढ़ी की, जब घोड़ा लड़की के द्वार पर पहुंचता था दूल्हे को लेकर के, तो उसके ऊपर वो लोग सिक्कों को लुटाते थे, तो वो सोचते थे कि इस समय तो लड़की वाले कहेंगे कि, ऐसा होता था कि जब लुटाते थे तो लड़की वाले बहुत हो गया बहुत हो गया, बस अब ठीक है आप लोग अंदर प्रवेश करो। तो ये लोग सोच रहे थे कम से कम इस बात पर तो आगे झुकेंगे
लेकिन जब उनके बहुत बड़ी हवेली थी, वो सोच रहे थे कि अपन चालू करेंगे, अब चालू करेंगे, और पता पड़ा लड़की वालों ने ऊपर से उनकी हवेली से ही स्वर्ण जो है मुद्राएं लुटाना प्रारंभ कर दिया। तो वो जो है वहाँ पर इनको बोलना पड़ा कि बस बहुत हो गया। लेकिन वहाँ कहते हैं इतना जो है पैसा उसमें खर्च किया, यदि वो सही कार्यों में लगता तो बहुत बड़े बड़े जो है समाज के कार्य हो सकते। ये रियल घटना है सहारनपुर उत्तर प्रदेश की। और वहाँ पर उस केवल अहंकार के कारण में पानी की तरह पैसा बढ़ाया गया। तो ऐसी जो है कषाय की परिणति होती है। तो उस कषाय की परिणति में जहाँ कई प्रकार के अपने लिए भेद बतलाए गए हैं, उसके पहले जहाँ एक अभिमान होता है और उसी के साथ साथ में एक स्वाभिमान भी होता है। अभिमान अहंकार तो ऐसा भी हो सकता है कि झूठी बातों पर भी अहंकार कर सकते हैं, और वास्तव में जो भी अहंकार होता है वो अपन जिन चीज़ों को लेकर के अहंकार करते हैं वो वास्तव में अपने नहीं हैं, अपन उनको लेकर के अहंकार करते हैं। अपना वास्तव में क्या है, अपने पास में जो कुछ सिद्धों के पास में है बस वो केवल अपना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें अपन ने अपनी मान रखी हैं वो वास्तव में अपना नहीं है। कर्मों का कर्ज अपने पास में है और वो कर्म जो हैं अपना कर्ज एक दिन लेकर के चले जाते हैं, इसलिए वो अपना नहीं है। जहाँ पहले के समय में जब विवाह होते थे तो जिस जगह पर बारात लेकर के जाते थे, आजकल का उल्टा जमाना है कि अब लड़की वाले बारात लेकर के आते हैं। तो पहले जाते थे तो वहाँ पर जो गरीब घर के लोग होते थे, जब जाते थे तो उस समय में अपने यहाँ के जो रईस सेठ लोग होते थे उनसे कि कुछ जेवर आदि दे दो, हम अपने लड़के के विवाह करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर जाते थे तो ऐसा ही मंच लगा रहता था, वहाँ पर थाली में सारे जेवर आदि दिखाते थे कि भाई देखो वो लड़के वाले आए हैं, ऐसा जेवर जो है अपने बिटिया को पहना रहे, मतलब बहुत धनवान है। और वो भी वहाँ पर अपनी ठसक दिखाते थे, लेकिन ठसक दिखाते समय कैसा भाव रहता था कि ये सब मांगे की चीज़ें हैं, झूठा अहंकार केवल प्रदर्शित करते थे, लेकिन मन में सोचते थे कि ये हमारा नहीं है। तो जो समीचीन श्रद्धा वाला होता है, वो जो धन वैभववादी होता है, उस पर वो अहंकार कभी दिखाता था, दिखाते समय में भी मन में यही भाव रखता है कि जिस पर हम अहंकार दिखा रहे हैं वो वास्तव में हमारा नहीं है। तो जहाँ स्वाभिमान की बात चलती है, स्वाभिमान जिसमें अपने कुल के गौरव की रक्षा करने की बात है, जहाँ व्यसनों से बचने की बात है, उनमें यदि अपना स्वाभिमान रख करके उनसे अपन दूर रहते हैं तो वो स्वाभिमान प्रशंसनीय कहा जाता है। एक बार ऐसी स्थिति बनी कि एक भाट जो कि प्रशंसा में अपने सेठों के गुण गाते हैं, गुजरात की घटना है कि उसने प्रशंसा में ये कह दिया कि जैनों में शाह पहले लगता है और बाद में शाह लगता है। शाह शब्द जो है जैनों को पदवी के रूप में दिया गया था। कई लोगों के यहाँ पर उनके सरनेम भी शाह होते हैं, नहीं तो जो विवाह पत्रिकाएं छपती हैं उसमें एक दूसरे संधि के लिए शाह शब्द से संबोधित करते हैं। तो शाह जो है जैनों में, क्योंकि जैन लोग हमेशा से धनाढ्य रहे और वो राजाओं के लिए भी ऋण देते रहे, अभी का ही नहीं आगम में भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां सुकमाल जिस सेठ के पुत्र थे उनके यहाँ भी ऐसा धन का अंबार था कि राजा भी उसको देख करके अचरज में पड़ गया था। तो जब राजा ने जो उस समय में कोई मुस्लिम बादशाह था और उसके कान में ये बात पड़ी और उसने जिसने शिकायत की थी उसने उस भाट को बुलाया जो कह रहा था,
तो कह ले तुम ऐसा कैसे कह रहे हो कि बादशाह में बाद में लगता है और जैनों में पहले लगता है। तो उसने कहा कि पूर्वजों में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने पूरे समाज नहीं पूरे राष्ट्र की सेवा की। उस समय में वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन थोड़े ही दिनों में ऐसा उसको अवसर मिल गया कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ा तो राष्ट्र को चलाने के लिए कर आदि देने में कोई समर्थ नहीं था, फिर राष्ट्र का खर्च कैसे चले, सेना का खर्च कैसे चले। तो उन्होंने उस भाट को बुला करके कहा कि तुम जाकर के जैनों से कहो कि पूरे राष्ट्र का जो खर्च है वो दें, नहीं तो उनकी शाह की पदवी छीन ली जाएगी। और तुम बड़ा कहते थे कि बादशाह में बाद में लगता है, और यदि वो नहीं कर पाए तो उनकी पदवी तो जाएगी, साथ साथ में तुम्हारा सर भी कलम किया जाएगा। और उसने जाकर के जैन सेठों से कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे उसकी इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन जिसका मैं गुणगान हमेशा करता रहा वो आपसे छिन जाएगी, वो मुझे सहन नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि जाकर के उससे एक महीने की मोहलत लेकर के आ जाओ, एक महीने में हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। और उन्होंने जिस नगर राजधानी में रहते थे वहां पर ही प्रयास करके 4 महीने का खर्च निकाल लिया। और आगे और दूसरे शहर में जाना था तो एक बीच में एक गांव पड़ता था, वहां के जो श्रेष्ठी थे उन्होंने देखा कि ये सेठ लोग सब कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे यहाँ पर भोजन ग्रहण करें। उनको कहीं तो भोजन करना ही था, तो उन्होंने कहा ठीक है। और उसने अच्छा जो है शानदार उनके लिए भोजन कराया। चर्चा भी हुई तो उसमें कि ये लोग इसके लिए पैसा इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो सेठ के पुत्र ने उनसे पूछा कि हम लोग भी इसमें कुछ योगदान कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकते, हम तो इसी के लिए जा रहे हैं। और उधर वो कहता है कि मैं अपने पिताजी से पूछ लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। पिताजी से पूछने गए तो पिताजी कहने लगे ये शहर वाले तो हमेशा देते रहते हैं, इनसे कह दो साल भर का हम देंगे। जाकर के जब कहा तो वो सारे सेठ आपस में हंसने लगे, कहने लगे कि साल भर का खर्च ये समझ रहे हैं जैसे कि भोजन करा दिया ऐसा ही कोई खर्च होगा। तो उससे बोला कि तुम्हारे होश तो ठीक हैं, साल भर का खर्च कितना होता है? तो उसको लगा कि ये समझ रहे हैं कि हम लोग दे नहीं पाएंगे, बोल तो देते हैं, कई बार होता है बोलियां बोल तो देते हैं लोग, बाद में मुकर जाते हैं। अरे हम तो ये समझे थे कि ये तो जो है 1000 की है, लाख की बोली बोल दी और बाद में कह रहे हैं 1000 की है। तो उसको ऐसा लगा तो उसने कहा कि आप लोग थोड़ा सा नीचे तल घर में चलें, हमारे धन को निहार लें, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। और जब वो नीचे सीढ़ी से उतर करके जाते हैं तो वहां पर रत्नों के, स्वर्ण के, चांदी के सबके बड़े बड़े ढेर देख करके और उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। और वो मन में कि हमने अहंकार के कारण में इसके लिए कि ये दे नहीं पाएगा ऐसे भाव किए। और उन्होंने कहा कि क्षमा करना, आप 1 बरस क्या यदि 12 बरस का भी राष्ट्र का खर्च देना चाहो तो आपको देने में कोई परेशानी नहीं। और 20 दिन 21 दिन हुए थे, 8 दिन पहले ही 9 दिन पहले ही जब सेठ के पास राजा के पास पहुँचे बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह उस समय में सोच करके खुश होता है कि ये लोग जल्दी आ गए, 1 महीने की मोहलत ली थी, लगता है क्षमा मांगने आए होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरा जो है खर्च केवल एक व्यक्ति दे रहा है। तो सुन करके बादशाह के एकदम बिल्कुल कि ये कैसे हो सकता है। उस सेठ को जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई ज़्यादा बड़ा व्यवसाय नहीं है, हम अनाज लेते हैं और तेल बेचते हैं बस, लेकिन सच्चे देवसास गुरु की आस्था है और हमारा जीवन व्यसनों से रहते हैं तो हमारे यहाँ धन की कभी कमी नहीं। तो वो राजा जहाँ मन में जो है ऐसा सोच रहा था, उसने कहा कि वो फाट भले ही अतिशयोक्ति जैसा लगता था, लेकिन वास्तव में जैनों में जो शाह की पदवी दी गई है वो वहाँ पर चरितार्थ होती है। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तब उस समय में वो वहाँ पर स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो कार्य किया गया, वो प्रशंसनीय माना जाता है। जहाँ अपन 8 प्रकार के अहंकार जो
होते हैं जिनके बारे में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने वर्णन किया है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्यम तपो वपु अष्टावासित्व मानित्तम इसमें माहुर गतस्मयाः। कुछ लोग ज्ञान को लेकर के अहंकार करते हैं, ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता है और उसमें कि हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तो उसमें भी जो अपने पास में ज्ञान होता है वो ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान होता है। क्षयोपशम ज्ञान का अर्थ है ना, अपने पुरुषार्थ से अपन थोड़ा बहुत प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वो हमेशा टिके कोई जरूरी नहीं। थोड़ा सा मन की स्थिति गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ भूल सकते हैं। उन मुनिराज का नाम आपने सुना होगा, शिवहूति मुनिराज, जिनको णमुकार मंत्र भी याद नहीं होता था। क्या कारण था उसमें, तो अवधि ज्ञान मुनिराज ने बताया कि पूर्व में तुमने अहंकार किया ज्ञान के ऊपर और साथ साथ में साधुओं के संग के ऊपर तुमने उनके ऊपर दोषारोपण किया, अवरणवाद किया, झूठा जो है उनके ऊपर दोष लगाया कि ये जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके दीक्षा दे देते हैं, ऐसा तुमने उनके ऊपर दोषारोपण किया, उसके कारण में तुम्हारा ज्ञान पूरी तरह से तिरोहित हो गया। तो जो ज्ञान जिस पर बड़े बड़े लोग जो हैं अहंकार नहीं करते, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जितने भी अपने जैन शास्त्र हैं सब उनको मौखिक थे, 10,000 श्लोक प्रमाण उनकी स्मृति में, कोई भी ग्रंथ जहां यदि एक पुस्तक होती थी वहां पर वो पुस्तक आचार्य श्री विद्यासागर जी के हाथ में जिनको पढ़ा रहे हैं और एक ही पुस्तक से पढ़ा रहे हैं बिना देखे, और कहां पर यदि गलती हो गई तो वो यहां पर ऐसा है, ऐसा ज्ञान। लेकिन देखो ऐसा ज्ञान होने के बाद में भी अहंकार नहीं, और जिस शिष्य को जो है काखा का पढ़ाना पढ़ाया सिखाया था उसी के चरणों में नतमस्तक हो गए, ऐसा जो है अपने ज्ञान का अहंकार छोड़ करके और जो विनय भाव उन्होंने अपने जीवन में प्रकट किया, भूतो न भविष्यति। और उनके जीवन के बारे में जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि वो अष्टमी चतुर्दशी को, जब चतुर्दशी के समय बड़ा प्रतिक्रमण होता था, प्रायश्चित लिया जाता है आचार्यों से, तो उस समय में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पद छोड़ने के बाद में और आचार्य विद्यासागर जी जिन शिष्य को पढ़ाया है उनको आचार्य बनाने के बाद में उनके चरणों में जाते थे और उनसे प्रायश्चित लेते थे और उनके दोनों हाथ उठा करके अपने सिर पर रख लेते थे, ऐसा जो है उन्होंने मान का मर्दन किया, जिसको देख करके उस समय के बड़े बड़े जो साधु साध्वी थे वो कहते थे कि ऐसे ही जो है विनय का गुण शास्त्र में भी देखने के लिए नहीं मिलता। तो जहाँ अहंकार यदि ज्ञान का होता है तो अपने लिए जो अपने से बड़े हैं, अहंकार के लिए सबसे अच्छा दूर करने का तरीका है कि अपने से बड़ों को देखें, तो फिर कभी अपने लिए अहंकार नहीं होगा। अहंकार हमेशा छोटों को देखने से होता है, धन का भी अहंकार जहाँ कभी होता है तो उसमें समाज के छोटे लोगों को देख लेते हैं, तब उस समय में अपने लिए अहंकार हो जाता है। बड़े बड़े भामाशाहों को देखो तो फिर उनके सामने अपने लिए कभी भी धन का अहंकार नहीं होगा। ऐसे भी जो हैं ज्ञानी रहे, एक रतन चंद जी मुख्तार हुए जिन्होंने वकालत करते थे, एक बार गलत किसी व्यक्ति को उन्होंने जिता दिया और उस दिन उन्होंने मन में बड़ी घृणा हुई, उन्होंने उस वकालत के पैसे को छोड़ दिया और जितना उनके पास धन था उसी को रख करके उन्होंने धर्म का अध्ययन प्रारंभ किया, जहां वो अरबी और उर्दू आदि में उनका जो सारा काम होता था, हिंदी नहीं आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, प्राकृत नहीं आती थी, लेकिन प्रयास करके उन्होंने ऐसे ज्ञान का अर्जन किया कि धवला की जो 20,000 पेज की जो है उन्हें 16, 16, 32 और 7, 39 पुस्तकों में 20,000 पेज में किस पेज पर किस लाइन में क्या लिखा है वो सब उनकी स्मृति में था। पुरुषार्थ से उन्होंने ऐसे ज्ञान के क्षयोपशम को प्राप्त किया था। तो जब ऐसे अपन ज्ञानियों के बारे में विचार करते हैं तब लगता है कि अपने ज्ञान, और जहाँ केवल ज्ञानी को देखो तो केवल ज्ञान के सामने जो क्षयोपशम ज्ञान है वो सागर में
जितना जल है उसके सामने बूंद के समान भी नहीं है। तो ऐसे भाव से अपने लिए ज्ञान का यदि अहंकार होता है तो उससे अपने लिए उठने का प्रयास करना चाहिए। जहां पूजा प्रतिष्ठा का भी बड़ा अहंकार हो जाता है, भरत चक्रवर्ती जब वृषभ गिरी पर अपना नाम लिखने के लिए पहुंचे थे और मन में सोच रहे थे कि मेरे जैसा कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ, लेकिन जब वहां देखते हैं उस वृषभ गिरी पर कुछ भी जगह रिक्त नहीं है जहां पर नाम लिख सकें, मतलब इतने चक्रवर्ती पूरे अतीत काल में हो चुके हैं कि कोई जगह नहीं है। और उस समय में नाम लिखने के लिए किसी का नाम मिटाते हैं और मन में ये भी सोचते हैं कि कोई हमारे भी नाम को मिटाएगा, लिख तो रहे हैं लेकिन हमारा नाम भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो ऐसा जो है अहंकार, जहाँ संपदा होती है, किसी शायर ने लिखा है कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे और झाड़ उनकी कब्र पर और निशां बाकी नहीं, कुछ नहीं रह गया, सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है, तो उस पर क्या अहंकार करना। जहां कुल जाति का भी अहंकार होता है, पिता का पक्ष कुल कहलाता है, तो पिता के पक्ष में जहां पूर्वजों ने कोई जिनालय बनवाए, बड़े अच्छे अच्छे काम किए, यदि अपन उस पर अहंकार करते हैं तो अपन ने क्या किया। यदि अपन उसमें और चार चांद लगाएं तब फिर अपन कुछ किसी से कह सकें तो बात है, लेकिन पूर्वजों ने जो किया उन्होंने तो उसके माध्यम से पुण्य का अर्जन कर लिया, लेकिन यदि अपन उस पर अहंकार करें तो केवल पाप का अर्जन होगा। और माता का पक्ष जो होता है उसमें अपने ननिहाल मामा आदि को लेकर के कई कई बार जो है उसमें भी अहंकार की स्थितियाँ बनती हैं, अपने लिए उससे भी बचना चाहिए। एक अहंकार शारीरिक बल का भी होता है, थोड़े दिनों कोई जिम में जाना चालू कर दे फिर उसकी चाल आप जो है देख करके समझ सकते हो कि हाँ आजकल जो है जहाँ कहीं दर्पण दिख जाए तो अपनी बाइसेप्स अपनी बाजुओं को वो देखने लगता है, उसमें कितनी जो है बन रही है। तो ऐसा शरीर के ऊपर भी अहंकार हो जाता है, लेकिन शारीरिक बल भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। जो कामा पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में भी जो है वहाँ अवार्ड जीता था और ऐसी आखिरी में स्थिति हो गई थी, उनके गले में एक लॉकेट था जो पहले ऐसा उनका मतलब छाती आदि के नीचे नहीं उतरता लेकिन आखिरी समय में नाभि तक पहुंच गया था, मक्खी उड़ाने की भी सामर्थ्य उनके हाथों में नहीं रही थी। तो शरीर के बल के ऊपर भी अहंकार करना व्यर्थ है। और जहां धन के अहंकार के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो धन के ऊपर अहंकार करते हैं, बड़े बड़े जो सल्तनतें रही हैं उनमें एक सुना था कि एक टीपू सुल्तान जो था उसके वंशज आगे चल करके ऐसी स्थिति हो गई है कि वो तांगा चलाते हैं। तो जिस धन पर अहंकार करते हैं उसमें भी ऐसी स्थिति होती है। एक राजकुमारी का विवाह करना था, रानी चिंतित थी तो उसकी नौकरानी ने कहा आप चिंतित दिख रही हो, क्या बात है। तो उसने कहा कि बिटिया जो है विवाह योग हो गई है, कहाँ इसका विवाह करें। तो नौकरानी बोलती है चिंता क्यों करती हो, मेरा लड़का है ना, नौकरानी बोलती है। तो उसने कहा कि खबरदार अब दोबारा कभी ऐसा बोला नहीं तुम्हारी जवान खींच लूंगी। दूसरी बार फिर ऐसे ही प्रसंग बना तो उसने फिर जो है कह दिया। तो इस बार तो रानी को बहुत गुस्सा आया, उसने जाकर के राजा से शिकायत की। तो राजा सुनकर के बोलता है कि इसमें कुछ कारण होना चाहिए, वो कहाँ पर बोलती। तो उन्होंने कहा कि वो उस जगह पर बोल रही थी, राजा ने वहां खुदवाया और खोदा तो वहां देखा बहुत बड़ा धन का भंडार वहां पर था, तो उसके कारण यानी नीचे धन है तो धन के ऊपर खड़े होने के कारण ही उसका वहां पर। और जब वहां उसको धन से हटा करके और जगह पूछा तो उस समय में वो क्षमा मांगने लगी, तब समझ में आया कि जिस धन के ऊपर खड़े होने से ही जब इतना अहंकार हो जाता है तो
तो जहाँ लोग अपने आप को धनी समझते हैं और वो उस अहंकार से रहित कैसे हो सकते हैं। तो जिस धन के बारे में अपन जब देखते हैं कि जब गुजरात में जहाँ भूकंप आदि आया था तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी दूसरे दिन ऐसी स्थिति हो गई थी कि जहाँ भोजनशालाएं लोगों ने दानशालाएं चालू की थी वहाँ पर थाली लेकर के लाइन में लगे हुए थे। तो ऐसे धन के प्रति भी जो है अपने लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। तप के बारे में यदि कोई उपवास आदि करता है तो उस समय में भी कई लोगों के मन में ऐसा भाव आ सकता है, लेकिन उसमें भी अपन अपने बड़े लोगों को देखें, जिसमें आचार्य शांति सागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में 9938 उपवास किए हैं और 14-14, 15-15 दिन के बाद में भी पारणाएं करने वाले ऐसे महान आचार्य हुए हैं, तब उनको देखेंगे तो फिर अपने लिए उसका भी अहंकार दूर हुए बिना नहीं रहेगा। जहां सुंदरता का भी अहंकार हो जाता है, उस सुंदरता के अहंकार में जो कुरूप होता है उसके प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अहंकार की ऐसी परिणति होती है अपने आप को उच्च और सामने वाले को तुच्छ समझता है। लक्ष्मी मती अहंकार के कारण में दर्पण में अपना श्रृंगार कर रही थी। एक मुनिराज वहां से निकले और जो धूल धूसरित बदन था पसीने और धूल के कारण में, और अपने दर्पण में उनको देख करके उसके घृणा के भाव हो गए। उसने अपनी शब्दों की बौछार महाराज के प्रति घृणा के भावों से कर दी। महाराज ने तो संता के साथ में वहां से नीचे चार हाथ जमीन देख करके निकल गए, लेकिन उसने ऐसा पाप किया उसके माध्यम से उसके शरीर में थोड़े ही दिनों में गलित कुष्ठ उत्पन्न हो गया और मरण करके वो अपने ही घर में छछूंदर के रूप में उत्पन्न हो गई। और पूर्व के पति के प्रति वो जो वही भाव था कि मेरा पति है, वो उछल करके उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, उसको गुस्सा आया, एक दिन उसने हाथ में पकड़ करके जमीन पर मार दिया। मर करके निंदनीय पर्याय गधी आदि की पर्याय बार बार उस घर के पास ही उत्पन्न हो, घर से प्रीति थी वो बार बार जो है घर में घुसती थी। फिर बाद में एक कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और वही मुनिराज उसके लिए फिर से मिल गए और उस समय में उसकी दयनीय दशा को देख करके महाराज ने उसके लिए करुणा का उपदेश दिया और फिर उसका जो है उत्थान हुआ, आगे चल करके कृष्ण की पटरानी के रूप में उत्पन्न हुई। लेकिन रूप का अहंकार इस प्रकार से हानिकारक हो सकता है। तो अहंकार के बारे में अपन ने काफ़ी चर्चा की। अब इस अहंकार से बचने के लिए अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए। अपने मुख से जो अपनी प्रशंसा करता है वो कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने को अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए। एक गुरु और शिष्य कहीं पर जाकर के रुके हुए थे तो उसमें गुरु ने कहा अपने शिष्य की कुछ भी बनना नहीं, वो समझ नहीं पाया। और जब वो वहां गुरु ध्यान में लीन थे, राजा के सेवक आए तो उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं, तो गुरु तो ध्यान में थे और शिष्य ने कहा कि हम लोग साधु हैं, देखते नहीं हो हम लोग साधु हैं। तो वो जो है उसको जो है जो मौन थे उनके गुरु, उनको तो नहीं, उसको जो है वहां से बाहर कर दिया। बाद में फिर वो रोता हुआ गुरु के पास में आया तो गुरु ने कहा देखो हमने यही कहा था कि कुछ बनना नहीं, ये तुमने अपने आप को ये भी कि मैं साधु हूं ये भी जो बोलना ये भी अहंकार का ही प्रतीक था। तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना। जो कृतज्ञता का भाव रखते हैं, कृतज्ञता यानी किए हुए उपकार को स्मरण में रखते हैं, वो भी कभी अहंकार नहीं करते। गांधी जी एक बार राजकोट में अधिवेशन था और वहां मंच पर थे और उनको दृष्टि गई तो उनको ऐसा लगा कि कोई वृद्ध व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो हमारे स्कूल के शिक्षक हैं। गुरुजी वहाँ से जो है उनके पास में जाने के लिए, गुरुजी के पास पहुँचने के लिए, और वो वहाँ पर जाकर के उनके चरणों में नमन किया। वो तो पहचान नहीं पाए,
बाद में उन्होंने बताया कि आपने हमको पढ़ाया है। और गांधी जी वहीं बैठ गए, मंच पर जो है कार्य चालू हो गया, लोग बुला रहे हैं वहां पर, वो कहले नहीं मैं यहीं पर अच्छा हूं, आज प्रोग्राम ऐसे ही हो जाएगा। और मन में बाद में पूछा तो कहने लगे अरे गुरु जी नीचे बैठे थे, हम कैसे ऊपर बैठ सकते हैं। तो जब अपन ऐसा सुनते हैं तो वो मृदुता का भाव, मार्दव भाव हृदय में अपने लिए आनंद देने वाला होता है, और जो अहंकार होता है वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जहां कर्तापन से मुक्ति के बारे में अपन उदाहरण देख चुके हैं, लेकिन एक और उदाहरण के रूप में कि जब हरिवंश राय बच्चन, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा कि आपकी सबसे अच्छी कविता कौन सी है, तो उन्होंने उस समय कह दिया कि हमारी सबसे अच्छी कविता अमिताभ बच्चन है। और बाद में उन्होंने जब विचार किया तो उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा कि मैंने कह तो दिया कि मेरी सबसे अच्छी कविता अमिताभ बच्चन है, लेकिन क्या इसमें इसकी माँ का कुछ योगदान नहीं है? और इसकी माँ का योगदान तो है, लेकिन स्वयं अमिताभ जिसने अपने आप को जो कुछ बनाया उसमें क्या उसका योगदान नहीं है? तो मैं कह दूं कि ये मेरी कविता है। तो ये दृष्टि उनकी वहाँ पर कि कोई जो है सोचता है कि मैं इसका करता हूँ, वास्तव में जहाँ अपने यहाँ उपादान और निमित्त की बात आती है तो मिट्टी ही स्वयं घट बनती है, तो मिट्टी ही उपादान है, कुंभकार तो निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी किसी कार्य में अपन लगते हैं तो उसमें यदि अपन निमित्त और उपादान की दृष्टि से समझें उसको, तो निमित्त का करता निमित्त है, वो कार्य के रूप में नहीं ढलता। हम नहीं होते तो और कोई करता, ऐसी दृष्टि रख करके जहाँ कार्य घटित होते हैं उसमें कार्य का श्रेय ना लेकर के अपने लिए कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। ऐसी भाव रहे तो फिर कभी भी उसका अहंकार नहीं होता। जहाँ धर्म और धर्मात्मा की प्रशंसा करने से भी कभी अहंकार नहीं होता, और भगवान का गुणगान करने से भी कभी अहंकार नहीं होता। इसलिए अपने लिए हमेशा दूसरों की प्रशंसा करते रहना चाहिए, उससे कभी भी अपने अंदर अहंकार के भाव उत्पन्न नहीं होते। जहाँ लोग अहंकार के कारण या अपनी अलग पहचान बनाने के कारण क्या क्या कार्य करते हैं, जिसमें जो है एक सेल्फी जो है वो केवल अपने नाम और फोटो और अहंकार के लिए ही जो है खींची जाती है, और उसमें कई बार तो जो है ऐसी ऐसी जगह पर खींचते हैं जिससे कि हमारी अलग पहचान बने, लेकिन अलग पहचान बनने की बात दूर, जीवन भी सुरक्षित नहीं रह पाता। ये सब उस अहंकार के कारण ही होता है। कहीं कहीं पर जो है एक जगह सुनने में आया था कि उन्होंने स्वान की शादी की, उसमें बहुत सारा खर्च किया, तो वो भी किस लिए? कहले नहीं ये पशुओं के प्रति जो है उनके सम्मान के प्रति किया, लेकिन उसमें और कुछ नहीं, केवल नाम के लिए कि सारे उसमें हम अलग दिखाई दें। एक व्यक्ति ने अपने नाखून को 5 फीट तक बढ़ाया, किस लिए? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड आया, और उसके उन नाखूनों के कारण हाथ पैरालिसिस में आ गया, क्योंकि भारी होते हैं, उठेगा नहीं वहां पर। तो उस व्यक्ति को जो है अपने नाखूनों को काटना पड़ा, उसने फिर से बढ़ा करके फिर जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे हाथ में पैरालिसिस हो गया, तुम्हें इसका दुख नहीं है? कहले नहीं, वो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम रिकॉर्ड है ना, वो बहुत खुशी देता है। हाथ में पीड़ा इतनी पीड़ा नहीं करती, लेकिन नाम जो रिकॉर्ड है वो बहुत खुशी देता है। क्या है ये? केवल कषाय की परिणति। तो ऐसी जो है कषाय की परिणति और जो कषाय से विमुख होते हैं उनके स्वरूप को अपन समझ रहे हैं। जहाँ अपने आप को उच्च और सामने वाले को तुच्छ समझने वाली जो कषाय है, जिसमें एक उदाहरण, एक खेतरी रियासत के एक राजा जब घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गए तो वहाँ की एक कार बड़ी फेमस है, रोल्स रॉय, और वो जो राजा थे लेकिन बहुत सिंपल रहते थे, यानी उनको देख करके कोई पहचान नहीं पाता था कि ये राजा हैं, कुर्ता पजामा में घूमने निकल जाएं, है राजा छोटी सी रियासत के। तो वो ऐसे ही घूमने के लिए स्विट्जरलैंड में वो रोल्स रॉय खरीदना थी, तो वहाँ पर उसमें चले गए, और उधर पर जिसने जो सेवा करने वाले रहते हैं उनने देखा कि ये तो ऐसा लग रहा है फटीचर सा, ये क्या खरीदेगा? उसने उनको वहाँ से कि चलो यहाँ से, ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसको खरीदना।
तो उनको लगा कि ये हमको समझ रहा है कि हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है। तो अगले दिन वो अपनी राजसी वेशभूषा में और उस जहां पर उनका शोरूम था वहां पर पहुंचे तो देखा कि भाई राजा साहब आए हैं। तो रेड कारपेट वेलकम, रेड कारपेट बिछा दिया सड़क तक जहां उनकी गाड़ी खड़ी है। तो उन्होंने जाकर के तीन जो हैं वहां पर रोल्स रॉय बुक की और जब उनकी भारत में डिलीवरी हुई तो उन्होंने उनको नगर पालिका को दे दिया और कह दिया कि इनसे अब कचरा उठाओ, क्योंकि वो अहंकार की परिणति थी, सामने वाले ने तोहिन की, अब तो राजा हैं। और ऐसा हो गया कि रोल्स रॉय की कीमत डाउन होने लगी, लोग खरीदने से घबराने लगे, क्योंकि यदि कोई कहता था कि हमारे पास में रोल्स रॉय है तो वहाँ पर लोग कहते थे अच्छा वही जो इससे इंडिया में जो कचरा उठाते हैं। तो बिक्री डाउन हो गई और ऐसी जब स्थिति बनी तो जब उनकी मीटिंग हुई तो डिसाइड करते हैं भैया क्यों रेट गिर रहे हैं अपने, कोई खरीद नहीं रहा, माल जो है इकट्ठा होता जा रहा है, सस्ते में भी बेच रहे हैं तो लोग नहीं ले रहे हैं, पहले क्यू में लगते थे अब तो जो है बुला बुला करके भी देने से नहीं ले रहे हैं। तो उसमें उन्होंने उनके यहाँ पर रिसर्च जो करते हैं उन्होंने कि भैया इसमें कारण जो है ये है। तो वहाँ का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड से खेतरी रियासत में उनके पास में आया और उन्होंने आकर के क्षमा मांगी और उनके लिए कि हम आपके लिए कार देते हैं अलग से, आप उनको वहाँ से वापस ले लो नहीं तो हमारा पूरा जो है व्यापार चौपट हो जाएगा। क्षमा मांगी उन्होंने, तब फिर जा करके उनकी जो है, ये तो केवल कथानक के रूप में रह गया लेकिन ये रियल घटना है, अहंकार के कारण में ऐसी परिणति भी बनती है। तो जहाँ आज अपन ने मार्दव धर्म को समझा, जो मृदुता से भरे होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, तो ऐसी मृदुता जहाँ कहा जाता है कि जो भगवान के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है, सबके सामने विनय भाव रखता है, वो भगवान की दृष्टि में भी प्रशंसनीय होता है, क्योंकि भगवान की वाणी में मार्दव धर्म से जो युक्त होता है वो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय होता है। तो आज के नियम के रूप में कि आज 24 घंटे तक, यानी आज से सुबह से लेकर कल सुबह तक, अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना, और दूसरा किसी की निंदा भी नहीं करना, क्योंकि निंदा के भाव जहाँ होते हैं वहाँ पर जब किसी की निंदा करते हैं तो उस समय में व्यक्ति को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मालूम है? क्योंकि जिसकी निंदा की जाती है वो थोड़ा सा अपने को नीचा लगता है, तो अपने आप को ऐसा एहसास होता है कि हम थोड़े से ऊंचे हो गए, बस इसलिए अच्छा लगता है, वास्तव में कुछ नहीं है, केवल एक साइको की जो है मानसिक ऐसी उसकी अवधारणा बन जाती है, उस समय में उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए अपने को निंदा भी नहीं करना है और अपने मुख से अपनी प्रशंसा भी नहीं करना है। तो ऐसे इस मृदुता के धर्म को अपन अपने जीवन में अंगीकार करें, इसी भावना के साथ में।